रायसेन शहर के सांची मार्ग पर स्थित कहने को तो वीआईपी कॉलोनी है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहां शून्य ही नजर आ रहा है। ये वीआईपी कॉलोनी अवैध से वैध नहीं हो सकी। यहां सड़क, बिजली और पानी निकासी के लिए नालियों का निर्माण नहीं हो सका है। ये सब कॉलोनाइजर की लापरवाही सामने आ रही है। आपको बता दें कि वीआईपी कॉलोनी की आबादी करीब 1500 है। वहीं रहवासियों ने नगर पालिका परिषद चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। वीआईपी कॉलोनी वासियों का कहना है कि कॉलोनी में कई सालों से मूलभूत सुविधाएं नहीं है। मामला ये है, ये कॉलोनी 2010 से चालू है और इसका पजेशन 2009-10 से मिलना शुरू हो गया था। तब से लेकर अभी तक इस कॉलोनी में जो वादे किए गए थे, उन वादों के अनुसार ना तो मुख्य सड़क है और ना जो सब रोड होती है सड़क है, वो निर्मित नहीं है, कच्ची सड़कें हैं। और हर साल हम कॉलोनी वासियों को चंदा एकत्रित करके इसे दुरुस्त कराना पड़ता है। कहने को तो ये वीआईपी कॉलोनी है, बट यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है और सब जगह यहाँ पे पानी भरा रहता है। ना तो निकासी है, कहाँ से निकले, ना तो यहाँ पे सड़क है। और बहुत बार यहाँ शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कभी शिकायत करने के बावजूद भी यहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं मिलती।